अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे बी आप में से कुछ लोग कहेंगे आई वॉन्ट टू कट माई हेयर. नाउ सेंटेंस था मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं. मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं. आप में से कुछ लोग मे बी ये कहेंगे आई वॉन्ट टू कट माई हेयर. आई वॉन्ट टू कट माई हेयर. लेकिन जो इसकी इंग्लिश होगी वो होती है कि मैं अपने बाल काटना चाहता हूं. मैं अपने बाल काटना चाहता हूं. और सेंटेंस था कि मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं. कटवाना है काटना. तो इस सेंटेंस का रियल में इंग्लिश ऐसे होगी आई वॉन्ट टू गेट माय हेयर कट. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर गेट का यूज क्यों किया है. तो आज का हमारा टॉपिक ही है, इसका नाम है पॉजिटिव वर्ब्स. अब ये पॉजिटिव वर्ब्स इंग्लिश बोलने के लिए क्यों सीखना चाहिए या कितनी जरूरी है इसको सीखना. सो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब्स. अब ये पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती है, क्या ये सीखना बहुत जरूरी है, क्या हम इसके बिना इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. मैं सचिन पाल आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर. और आज हमारा डे 22 है. व्हाट आर पॉजिटिव वर्ब्स? पॉजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट शो द रीजन दैट समथिंग हैपन्ड, लाइक मेक, हैव एंड गेट. मैंने आपसे पूछा था कि मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं. मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं. तो मैंने इसको ऐसे बताया था कि आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट. आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट. तो जो काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो उन सभी सेंटेंस को हम पॉजिटिव वर्ब्स से ही हेल्प के द्वारा बनाते हैं. जैसे कि आपको यूज करना होता है गेट, फिर इसके बाद बीच में जिस काम की या जिस इंसान के बारे में बात हो रही हो यहां पर आना है, बीच में फिर आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है. जैसे कि मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू गेट. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने बाल की. तो आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट. कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कट 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 ही रहती है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर आई वांट टू गेट माय हेयर कट. तो जिस काम के बारे में बात हो रही है, चाहे वो कोई काम हो या फिर किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, तो आपको गेट के बाद रखना है और वर्ब से पहले बीच में रखना है. पॉजिटिव वर्ब्स में आज का हमारा टॉपिक है गेट. तो सेंटेंस लिखा है वह कल अपना फोन ठीक करवाएगी. वह कल अपना फोन ठीक करवाएगी. तो she will get her phone repaired tomorrow. और एक बात और ध्यान रखना कि आप get की जगह have का यूज भी कर सकते हैं. यानी she will have her phone repaired tomorrow. get की जगह have का यूज भी हम कर सकते हैं. वे अपनी कार पेंट करवा रहे हैं. वे अपनी कार पेंट करवा रहे हैं. They are getting their car painted. They are getting their car painted. और जैसे मैंने आपको बताया कि आप get की जगह have का यूज भी कर सकते हैं, तो आप यहां पर having का यूज कर सकते हैं. यानी कि जब हिंदी की verb में वा का साउंड आता है, जैसे कि काटना, it becomes कटवाना. वा का साउंड आता है हिंदी में. सिलना, सिलवाना. ओके, काम करना, काम करवाना. तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हिंदी की वर्ब में वा 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 का साउंड आ रहा है. जैसे कि काटना, कटवाना. सिलना, सिलवाना. काम करना उसका बन गया काम करवाना. तो हिंदी की वर्ब में वा का साउंड आता है. तो समझ जाना कि ये पॉजिटिव वर्ब्स का ही पार्ट है. और
यहां देखिए लिखा है मैंने, मैंने कल अपने शूज पॉलिश करवाए, मैंने कल अपने शूज पॉलिश करवाए, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड यस्टरडे। ये जो गेट है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहता है, कभी कभी ये गेट बन जाता है, कभी समटाइम इट बिकम्स गेट्स गॉट, यानी यहां पर लिखा है गॉट, क्योंकि ये जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है और यहां पर आपको लगाना है सेकंड फॉर्म। और अगर आप गेट की जगह हैव का यूज करते हैं तो बन जाएगा हैड, आई हैड माय शूज पॉलिश्ड यस्टरडे। मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप देखिए, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन, यहां बात हो रही है तुम्हें, तो गेट के बाद आया जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो, वो आप यहां लगाए। इसके बाद लगाना आपको थर्ड फॉर्म, आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। सेकेंड है, मेरे दोस्त ने कल मुझे पिटवा दिया, माई फ्रेंड गॉट मी बीटन यस्टरडे, बात हो रही है मुझे, माई फ्रेंड गॉट मी बीटन यस्टरडे, मेरे कपड़े धुलवा दो, गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, बात हो रही है मेरे कपड़े की यहां पर, तो ये गेट के बाद आएगा और वर्ब से पहले बीच में लगा दे, जिसके बारे में बात हो रही है आप बीच में लगाएंगे गेट के बाद, चाहे वो बात किसी इंसान की हो रही हो या किसी वस्तु की बात हो रही हो। वह रोज अपने जूते पॉलिश करवाता है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वह अपने जूते, तो ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड डेली, वह रोज अपने जूते पॉलिश करवाता है, तो बीच में लगा हमने अपने जूते, यानी कि ही है तो क्या बन जाएगा हिज। क्या आप यह काम करवा सकते हो, तो इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं यह काम, सो कैन यू गेट दिस वर्क डन, बात हो रही है काम को, बीच में आएगा कैन यू गेट दिस वर्क डन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम सेंटेंसेस जिसका आपको ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट है, मैक्स इस काम को करवा रहा है, यहां मैक्स किसी का नाम है। सेकंड है, मैं यह काम करवा दूंगा। नेक्स्ट है, इसे करवाओ, इसे करवाओ। आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हो, आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हो। नेक्स्ट है, वह रोज अपने शूज पॉलिश नहीं करवाता है, मैंने कल अपने बाल कटवाए, मैंने कल अपने बाल कटवाए। मुझे इस बैंक में अपना खाता खुलवाना है, मुझे इस बैंक में अपना खाता खुलवाना है। उसने दो चोरों को गिरफ्तार करवाया, उसने दो चोरों को गिरफ्तार करवाया। उसने अपने दोस्त को मरवा दिया, उसने अपने दोस्त को मरवा दिया। लास्ट है, क्या आपने अपने वाक्य चेक करवा लिए हैं। आप इन सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेट कीजिए, मैं अभी चेक करता हूं आफ्टर 3 मिनट्स। आई होप कि आपने सभी सेंटेंसेस कर लिए होंगे, अब मैं आपके सेंटेंस चेक करने जा रहा हूं। फर्स्ट है, मैक्स इज गेटिंग दिस वर्क डन, मैक्स इस काम को करवा रहा है। नेक्स्ट है, आई विल गेट दिस वर्क डन, मैं यह काम करवा दूंगा। इस काम को करवाओ, गेट इट डन। व्हाई डोंट यू गेट योर हेयर कट, कट की जगह आप लगा सकते ट्रिम्ड, आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हो। नेक्स्ट है, He does not get his shoes polished daily. वह रोज अपने जूते पॉलिश नहीं करवाता है। Does not की जगह आप लगा सकते हैं doesn't. I got my hair cut yesterday. मैंने कल अपने बाल कटवाए। I have to get my account opened in this bank. मुझे इस बैंक में अपना खाता खुलवाना है। He got two thieves या robbers arrested. आप कोई भी ये लिख सकते हैं। उसने दो चोरों को गिरफ्तार करवाया। नेक्स्ट है, ही गॉट हिज फ्रेंड किल्ड। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इस टाइप की लैंग्वेजेस। ही गॉट हिज फ्रेंड किल्ड, उसने अपने दोस्त को मरवा दिया। लास्ट है, हैव यू गॉट योर सेंटेंसेस चेक, क्या आपने अपने सेंटेंसेस चेक करवा लिए हैं। यदि आपने सेंटेंसेस ऐसे बनाए हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे क्वालिटी वर्ब्स में आप गेट का यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गेट मींस जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं
तो हम ऐसे सेंटेंस को गेट की हेल्प से बनाते हैं। पहले आप गेट का यूज करेंगे, उसके बाद जिसके बारे में बातें हो रही है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे, उसे आज ही अभी सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अच्छा सा एक कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूं। नमस्ते।